तारीख थी 23 जून 2018। दिन के लगभग 1 बजे दिल्ली के मशहूर कैंट मेट्रो स्टेशन के नजदीक सड़क पर खून से लथपथ एक महिला की लाश मिलती है। जहां पर यह लाश मिली थी वो आर्मी कैंटोनमेंट एरिया के बेहद करीब था। ऐसे संवेदनशील इलाके में लाश मिलने से हड़कंप मच जाता है। तुरंत जांच पड़ताल शुरू होती है। शुरुआती कुछ घंटों तक तो लाश की पहचान नहीं हो पाती है, मगर जब लाश की पहचान होती है तो पूरे पुलिस विभाग में अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि मरने वाली महिला कोई मामूली महिला नहीं थी। ये एक बेहद ही हाई प्रोफाइल मामला था। पुलिस अब जल्द से जल्द कातिल और कत्ल की वजह की तलाश में लग जाती है, और फिर पुलिस जांच में जो खुलासा होता है उसे जानकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो आखिर मरने वाली महिला कौन थी, कातिल कौन था, कातिल कैसे पकड़ा जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि कत्ल की वजह क्या थी। चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में आगे। कातिल और कत्ल की वजह के बारे में जानकर आप भी शॉक्ड रह जाएंगे। वेल, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर लें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने बताया कि कैंट मेट्रो स्टेशन के नजदीक सड़क से गुजर रहे कुछ लोगों की नजर सड़क पर खून में डूबी मृत महिला पर पड़ती है। आनन फानन में पुलिस को फोन किया जाता है। खबर मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। पहली नजर में देखने पर ऐसा लग रहा था कि महिला को किसी गाड़ी ने धक्का मार दिया है। पुलिस इसे हिट एंड रन का मामला मानते हुए अपनी जांच को आगे बढ़ाती है। पुलिस मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए घटना स्थल पर तुरंत फॉरेंसिक टीम को भी बुलाती है। शुरुआती जांच के बाद ही फॉरेंसिक टीम दावा करती है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन के अनुसार यह हिट एंड रन का मामला नहीं है, बल्कि महिला की पहले हत्या की गई है, फिर हत्या को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए शरीर पर गाड़ी चढ़ाया गया है। दरअसल फॉरेंसिक टीम जब मृत महिला के शरीर की जांच करती है तो उन्हें महिला की गर्दन पर गहरे घाव के निशान मिलते हैं। उस निशान को देखकर फॉरेंसिक एक्सपर्ट समझ जाते हैं कि किसी तेज हथियार से पहले महिला का गला रेता गया है और फिर उसे यहां लाकर फेंकने के बाद उसके शरीर के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है। पुलिस को शक होता है कि शायद ये हत्या रॉबरी या सेक्सुअल असॉल्ट की वजह से हो सकती है, इसलिए पुलिस इस एंगल से भी जांच करती है। मगर पाया जाता है कि महिला ने जो कुछ भी गहने पहने हुए थे सब कुछ सही सलामत हैं। किसी तरह के सेक्सुअल असॉल्ट के भी सबूत नहीं मिलते हैं। हालांकि महिला के पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं था जिससे उसकी पहचान की जा सके, पास में मोबाइल भी नहीं था। अब पुलिस मामला दर्ज करते हुए सबसे पहले तो शव की पहचान करने की कोशिश में लग जाती है। महिला की लाश लगभग 1 बजे दिन में मिली थी, उसके बाद कई घंटे बीत जाते हैं मगर मृत महिला की पहचान नहीं हो पाती है। दिल्ली के दूसरे पुलिस थाने में भी मृत महिला की तस्वीर भेज दी जाती है ताकि जल्द से जल्द इसकी पहचान की जा सके, मगर पुलिस के हाथ खाली ही रहते हैं। अभी पुलिस हाथ पैर मार ही रही थी कि शाम के लगभग 4 बजे नारायणा पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति आता है और पुलिस वालों को कहता है कि दिन में उसकी पत्नी बाहर निकली थी मगर अब तक नहीं आई है, उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। इस व्यक्ति की पूरी बात सुनकर पुलिस वाले उसी मृत महिला की तस्वीर उस व्यक्ति को दिखाते हैं जो तस्वीर बस थोड़ी देर पहले इस थाने में आई थी। उस तस्वीर को देखते ही पत्नी की गुमशुदगी की शिकायत लेकर आया हुआ व्यक्ति बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि यही तो मेरी पत्नी है। शिकायत लेकर आया हुआ व्यक्ति कोई मामूली इंसान नहीं था, बल्कि इंडियन आर्मी के मेजर अमित द्विवेदी थे, और जिस मृत महिला की पहचान फोटो के जरिए उन्होंने की थी बल्कि उनकी पत्नी थी जिनका नाम शैलजा द्विवेदी था। शैलजा द्विवेदी मूल रूप से पंजाब के अमृतसर की रहने वाली थी। इनकी शादी कुछ वर्ष पहले ही अमित द्विवेदी से हुई थी। इनका एक 6 साल का बच्चा भी था। पहले शैलजा द्विवेदी अपने पति के साथ कहीं और रहती थी, मगर वहां से अमित द्विवेदी का ट्रांसफर हाल ही में दिल्ली हुआ था, इसलिए ये अब दिल्ली में ही आर्मी क्वार्टर में रह रही थी। शैलजा दिखने में काफी खूबसूरत थी। उन्होंने कई मशहूर ब्यूटी कॉम्पिटिशन में भी भाग लिया था और कई ब्यूटी कॉम्पिटिशन इन्होंने जीते भी थे। शैलजा ने मॉडलिंग की दुनिया में भी हाथ आजमाया था। लाश की पहचान मेजर की वाइफ शैलजा द्विवेदी के रूप में होने की वजह से ये बेहद ही हाई प्रोफाइल मामला हो जाता है। दिल्ली पुलिस के कई आला अधिकारी इस मामले की जांच पड़ताल में लग जाते हैं और जल्द से जल्द
हत्या की वजह और हत्यारे की तलाश में लग जाते हैं। पूछताछ का सिलसिला सबसे पहले शैलजा द्विवेदी के पति मेजर अमित द्विवेदी से ही होती है। अमित द्विवेदी बताते हैं कि कुछ हफ्ते पहले उनकी वाइफ शैलजा द्विवेदी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उनके पैर में चोट लगी थी। पैर में लगातार दर्द रहने की वजह से वो अपना इलाज करवाने दिल्ली के आर्मी अस्पताल में जाती थी, जहां से उन्हें कुछ हफ्ते फिजियोथेरेपी करवाने की सलाह दी गई थी। अमित द्विवेदी आगे बताते हैं कि शैलजा पिछले कुछ दिनों से लगातार यहां इलाज के लिए आ रही थीं। रोज की तरह आज भी घर से उनके ड्राइवर ने ही आर्मी द्वारा दी गई गाड़ी से शैलजा को फिजियोथेरेपी करवाने के लिए आर्मी हॉस्पिटल के बाहर ड्रॉप किया था। फिर कुछ समय बाद जब ड्राइवर रोज की तरह उन्हें हॉस्पिटल से लेने आया, तो अस्पताल की ओर से जानकारी दी गई कि आज तो शैलजा द्विवेदी इलाज के लिए आई ही नहीं है। इस बात की जानकारी ड्राइवर अमित द्विवेदी को देता है। इसके बाद अमित द्विवेदी शैलजा के नंबर पर फोन करते हैं, मगर वो स्विच ऑफ आता है। फिर अमित द्विवेदी अपने स्तर से शैलजा के दोस्तों रिश्तेदारों तक को फोन करते हैं, मगर कहीं से भी शैलजा का अता पता नहीं चलता है। इसी के बाद अमित द्विवेदी भागते हुए नारायणा पुलिस स्टेशन आते हैं, जहां वो फोटो के जरिए अपनी पत्नी की पहचान करते हैं। बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, जहां शैलजा की लाश रखी हुई थी। लाश देखकर अमित द्विवेदी पहचान की पुष्टि करते हैं। अब पुलिस एक गुत्थी सुलझा चुकी थी कि ये शव किसका है। अब पुलिस के सामने दो और बड़े सवाल के जवाब ढूंढने बाकी थे। इस महिला की हत्या किसने और क्यों की है? पुलिस वाले मेजर अमित द्विवेदी से पूछते हैं कि क्या आपको किसी पर शक है? तो इस पर अमित द्विवेदी जिस शख्स का नाम लेते हैं, उसे सुनकर हर कोई चौंक जाता है। अमित द्विवेदी किसी और का नहीं, बल्कि इंडियन आर्मी के ही एक और मेजर का नाम लेते हुए कहते हैं कि उसी ने शैलजा की हत्या की होगी, क्योंकि वो काफी समय से शैलजा को परेशान कर रहा था। मेजर अमित द्विवेदी ने जिस पर अपनी पत्नी की हत्या का शक जताया था, उनका नाम था मेजर निखिल रॉय हांडा। अब सबसे पहले पुलिस मेजर निखिल रॉय हांडा के बारे में जानकारी निकलवाती है, तो पता चलता है कि मेजर निखिल रॉय हांडा की पोस्टिंग तो मेरठ बेस कैंप में है। जांच आगे बढ़ाते हुए पुलिस सबसे पहले उस अस्पताल के बाहर की सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करती है, जहां शैलजा द्विवेदी इलाज के लिए जाया करती थी। कुछ ही देर की मेहनत के बाद पुलिस देखती है कि अस्पताल के बाहर जैसे ही शैलजा द्विवेदी अपनी गाड़ी से उतरती हैं, दूसरी तरफ से एक सिल्वर कलर की होंडा सिटी कार आती है। उस कार से एक व्यक्ति बाहर निकलता है और थोड़ी देर शैलजा से बात करता है, और फिर दोनों उस कार में सवार होकर निकल जाते हैं। कार के बाहर निकले उस व्यक्ति की पहचान मेजर अमित द्विवेदी मेजर निखिल हांडा के तौर पर करते हैं। मेजर निखिल हांडा की लोकेशन हिस्ट्री और कॉल हिस्ट्री से भी पता चलता है कि जिस समय सड़क पर शैलजा द्विवेदी की लाश मिली थी, उससे कुछ देर पहले तक शैलजा और मेजर निखिल हांडा का लोकेशन एक ही जगह का था। इसके अलावा इसी दिन यानी 23 जून 2018 को सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच इन दोनों की कई बार फोन पर बात भी हुई थी। इन सब खुलासे के बाद पुलिस की टीम मेजर निखिल हांडा की तलाश में लग जाती है, मगर कहीं भी उसका पता नहीं चलता है। इसके बाद अगले दिन यानी 24 जून 2018 की सुबह दिल्ली पुलिस के कुछ काबिल ऑफिसर्स के नेतृत्व में 6 टीम बनाई जाती हैं, और उन्हें जल्द से जल्द मेजर निखिल हांडा को पकड़ने का काम दिया जाता है। पुलिस की टीम अलग अलग जगह पर छापेमारी करती रहती है, मगर कहीं भी मेजर हांडा का अता पता नहीं चलता है। चूंकि मेजर हांडा की पोस्टिंग मेरठ में थी, इसलिए दिल्ली पुलिस दिल्ली से मेरठ तक जाने वाली सड़कों पर लगे सीसीटीवी को भी खंगालना शुरू कर देती है। जांच में इसी रूट के एक टोल नाके पर लगे सीसीटीवी में वही कार दिखाई देती है जो कार दिल्ली के आर्मी अस्पताल के बाहर दिखी थी। अब पुलिस की टीम मेरठ के लिए निकल जाती है। इधर पुलिस की जांच पड़ताल में खुलासा होता है कि मेजर हांडा के पास एक और मोबाइल है, जिसका नंबर बस चंद लोगों के पास है। अब पुलिस वाले इसी दूसरे नंबर को ट्रेस करते हुए मेरठ के आर्मी बेस कैंप में पहुंच जाते हैं। यहां पुलिस वालों को जानकारी मिलती है कि बस अभी कुछ देर पहले ही मेजर निखिल हांडा निकले हैं। पुलिस वाले अब उसी रास्ते पर निकल जाते हैं जिधर मेजर निखिल हांडा निकले थे। कुछ ही दूरी पर मेजर निखिल हांडा की कार दिखाई देती है। पुलिस वाले पीछा करते हुए उस कार को रोकते हैं और फाइनली मेजर निखिल हांडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद जरूरी कागजी कार्यवाही पूरी कर लेने के बाद दिल्ली पुलिस निखिल हांडा को लेकर दिल्ली आ जाती है, और यहाँ पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। इस पूछताछ में जो कुछ भी खुलासा होता है
उसके बारे में जानकर हर कोई हिल जाता है। पहले तो निखिल हांडा शैलजा की हत्या या फिर उसे पहचानने से इनकार करता है, मगर जब पुलिस उसे सबूत दिखाती है तो मेजर हांडा धीरे धीरे राज उगलना शुरू करता है। मेजर निखिल हांडा के बयान के मुताबिक शैलजा द्विवेदी से उसकी पहली मुलाकात 2015 में तब हुई थी जब मेजर निखिल हांडा की पोस्टिंग नागालैंड के दीमापुर में थी और शैलजा के पति मेजर अमित द्विवेदी की भी पोस्टिंग यहीं थी। यहां मेजर निखिल हांडा अकेले रहते थे जबकि मेजर अमित द्विवेदी अपनी पत्नी शैलजा द्विवेदी और अपने बच्चे के साथ रहते थे। साथ में ड्यूटी करने की वजह से दोनों मेजर की आपस में दोस्ती थी। दोस्ती की वजह से एक दिन मेजर निखिल हांडा मेजर अमित द्विवेदी के घर जाते हैं। यहीं उनकी मुलाकात पहली बार शैलजा द्विवेदी से होती है। यहीं पर दोनों में कुछ बातें होती हैं और फिर धीरे धीरे दोस्ती का सिलसिला शुरू हो जाता है और इन दोनों में फिर बातचीत भी होने लगती है। बीतते समय के साथ इन दोनों की दोस्ती भी काफी गहरी हो जाती है और बातचीत भी पहले से कहीं ज्यादा होने लगती है। पहले निखिल हांडा और शैलजा द्विवेदी की कभी कभी मुलाकात होती थी और ज्यादातर ये दोनों फोन पर ही बात करते थे, मगर एक समय बाद इन दोनों में वीडियो कॉलिंग का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शैलजा और निखिल हांडा तब वीडियो कॉलिंग किया करते थे जब मेजर अमित द्विवेदी के ड्यूटी का समय होता था। शैलजा उन्हें इस बात की भनक भी नहीं लगने देती थी कि उनकी पत्नी मेजर निखिल हांडा से बात करती हैं। ऐसा 2015 से 2018 के शुरुआती महीने तक चलता रहता है, मगर एक दिन जब शैलजा निखिल हांडा से वीडियो कॉलिंग कर रही थी तभी मेजर अमित द्विवेदी रंगे हाथ अपनी पत्नी को पकड़ लेते हैं। ये सब देखने के बाद अमित द्विवेदी शैलजा को काफी डांटते हैं और इस बात को लेकर इन दोनों में झगड़ा भी होता है। अमित शैलजा को हिदायत देते हैं कि तुम आज के बाद से कभी भी निखिल हांडा से बातें नहीं करोगी। निखिल हांडा से भी मुलाकात करके अमित द्विवेदी कहते हैं कि आज के बाद तुम शैलजा से कोई संपर्क नहीं रखोगे वरना बहुत बुरा होगा। मेजर निखिल हांडा के बयान के मुताबिक इस घटना के बाद कुछ महीनों तक तो उन दोनों की फोन पर बातचीत बंद रहती है, मगर कुछ ही महीनों बाद एक बार फिर से इन दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस घटना के कुछ ही समय बाद यानी 2018 के अप्रैल महीने में अमित द्विवेदी का ट्रांसफर दिल्ली हो जाता है। उस कारण अमित द्विवेदी अपने परिवार के साथ दिल्ली आ जाते हैं और आर्मी क्वार्टर में ही रहने लगते हैं, जबकि निखिल हांडा का इनसे पहले मेरठ बेस कैंप में ट्रांसफर हो जाता है। मेजर निखिल हांडा के बयान के अनुसार वीडियो कॉलिंग के दौरान जब से अमित द्विवेदी ने शैलजा को पकड़ा था उसके बाद से शैलजा निखिल से कुछ महीनों तक तो बिल्कुल बात ही नहीं करती है, लेकिन निखिल के जोर देने पर इन दोनों में एक बार फिर से बातचीत शुरू होती है, मगर शैलजा अब पहले की तरह रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। शायद शैलजा को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मई महीने में तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि शैलजा अब निखिल के फोन कॉल्स को इग्नोर करने लगती है। इन सब के बावजूद निखिल फोन करना बंद नहीं करता है और अब वो शैलजा पर अपने पति अमित को छोड़ने का दबाव बनाने लगता है। साथ ही कहता है कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। कमाल की बात तो ये थी कि निखिल हांडा ऑलरेडी शादीशुदा थे और उनका एक बेटा भी था। इसके बावजूद निखिल हांडा अब शैलजा द्विवेदी पर शादी करने का दबाव बना रहे थे। जून महीने में ऐसा होता है कि शैलजा अब अमित द्विवेदी का फोन उठाना लगभग बंद ही कर देती हैं। इसी बीच शैलजा का एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है और वो आर्मी अस्पताल में अपना इलाज शुरू करवाती हैं। इस बात की जानकारी निखिल हांडा को भी लगती है। चूंकि अब शैलजा ने निखिल का फोन उठाना लगभग बंद ही कर दिया था, इसलिए निखिल 2 जून को मेरठ से दिल्ली आता है और खुद को माइग्रेन का मरीज बताते हुए उसी अस्पताल में अपना इलाज शुरू करवाता है जहां शैलजा रोज फिजियोथेरेपी सेशन के लिए आया करती थी। निखिल ने ऐसा इसलिए किया था ताकि इलाज के बहाने शैलजा से मुलाकात हो जाए। हालांकि उसकी ये चाल ज्यादा कामयाब नहीं होती है और शैलजा से उसकी मुलाकात नहीं हो पाती है। इसके बाद निखिल नई चाल चलता है और अब वो अपने स्वस्थ बेटे को मरीज बनाकर अस्पताल में जबरदस्ती भर्ती करवा देता है। ऐसा उसने बस इसलिए किया था ताकि अब वो बेटे के इलाज के बहाने अस्पताल में रुक सके और शैलजा से मुलाकात कर सके। बेटे के इलाज के बहाने उसे आर्मी यूनिट से छुट्टी भी आसानी से मिल जाती है और वो अब अस्पताल में रहते हुए शैलजा से मिलने का बहाना ढूंढता रहता है। उसकी ये चाल कामयाब भी हो जाती है और एक दो बार शैलजा से उसकी मुलाकात भी हो जाती है। इस मुलाकात के बाद शैलजा, जिसने निखिल का फोन उठाना बिल्कुल बंद कर दिया था, फिर से फोन उठाना शुरू कर देती है और इन दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हो जाती है।
निखिल हांडा के बयान के मुताबिक जब शैलजा फोन पर बात करने के दौरान अपने पति अमित द्विवेदी को छोड़कर निखिल से शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है, तो एक दिन निखिल शैलजा से फोन पर बात करते हुए कहता है कि कम से कम तुम मुझसे एक बार मिल लो, उसके बाद मैं तुम्हें कभी फोन नहीं करूंगा। इसी के बाद 23 जून 2018 को जब शैलजा आर्मी अस्पताल में रोज की तरह फिजियोथेरेपी सेशन के लिए आती हैं, तो इस बार वो अस्पताल के अंदर जाने की बजाय बाहर ही रुक जाती हैं। यहाँ प्लान के मुताबिक निखिल हांडा अपनी होंडा सिटी कार लेकर आता है और फिर उसी कार में शैलजा बैठ जाती हैं और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। कुछ किलोमीटर आगे जाकर निखिल अपनी कार रोक देता है और एक बार फिर से कार में ही इन दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। यहाँ निखिल हांडा शैलजा पर शादी का दबाव बनाने लगता है। मेजर निखिल हांडा शैलजा को लेकर इतना पागल था कि वो कार के अंदर से ही अपनी पत्नी को फोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें तलाक देने जा रहा हूँ क्योंकि मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ। इसके बाद अब निखिल हांडा शैलजा से कहता है कि तुम भी अपने पति से बस जितनी जल्दी हो तलाक ले लो और मुझसे शादी कर लो, लेकिन शैलजा अपने पति अमित द्विवेदी से तलाक लेने से मना कर देती है। इस बात को लेकर कार के अंदर ही शैलजा और निखिल हांडा के बीच झगड़ा होने लगता है। इसी झगड़े के दौरान शैलजा निखिल से कहती है कि मैं और तुम बस एक दोस्त हैं, मैं तुम्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं समझती, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अगर तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और मुझे फोन करना बंद नहीं किया तो मैं आर्मी में तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज करवा कर तुम्हारा कोर्ट मार्शल करवा दूंगी। इतना सुनते ही निखिल को गुस्सा आ जाता है और वो जवाब में शैलजा से कहता है कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो फिर तुम किसी की भी नहीं रहोगी। बस इसी के बाद वो एक झटके में शैलजा की गर्दन पकड़ लेता है और अगले ही पल अपने साथ चिपकाकर लाए गए चाकू से शैलजा के गर्दन पर वार करना शुरू कर देता है। शैलजा द्विवेदी चाहकर भी निखिल की पकड़ से नहीं निकल पाती हैं और चाकुओं की वार की वजह से कार के अंदर ही दम तोड़ देती हैं। शैलजा को मारने के बाद निखिल समझ नहीं पाता है कि इस लाश को कहां ठिकाने लगाया जाए। उसे डर सताने लगता है कि अगर लाश को इस तरह कार में रख कर ज्यादा दूर गया तो पकड़ा जाऊंगा, इसलिए वो वहीं पर लाश को पहले गाड़ी से नीचे गिरा देता है और फिर कई बार अपनी कार को शैलजा के शरीर पर और खासकर उसके चेहरे पर चढ़ाता है ताकि ये हत्या की बजाय एक्सीडेंट का मामला लगे और उसकी पहचान को भी मिटाया जा सके। शैलजा की लाश को ठिकाने लगाने के बाद निखिल हांडा शैलजा का मोबाइल ले लेता है और कुछ दूरी पर जाकर एक कचड़े के डब्बे में उसे डाल देता है। इसके बाद वो दिल्ली के उसी घर में जाता है जहां वो पिछले कई दिनों से ठहरा हुआ था। यहां आकर वो सबसे पहले नहाने चला जाता है। इसके बाद निखिल तैयार होकर फिर से उसी आर्मी अस्पताल के बाहर जाता है ताकि वहां के हालात का जायजा ले सके। सब कुछ शांत देखकर वो अब सबूत मिटाने की नियत से कार को ठिकाने लगाने का प्लान बनाने लगता है। चूंकि कार के टायर में और अंदर अभी काफी खून लगा हुआ था, इसलिए निखिल जल्द से जल्द कार को धुलवाने के जुगाड़ में लग जाता है, मगर उसे डर सताने लगता है कि अगर दिल्ली में धुलवाने गया तो शायद वो पकड़ा जाएगा, इसलिए वो मेरठ चला जाता है। निखिल हांडा को लग रहा था कि कार को ठिकाने लगाकर वो आराम से बेस कैंप में ही छिपकर रह सकता है, मगर पुलिस की तेजी के आगे निखिल हांडा की हर चाल फेल हो जाती है और आखिरकार वो पकड़ा जाता है। निखिल हांडा को गिरफ्तार करने के बाद 14 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया जाता है। पूछताछ के साथ साथ पुलिस हत्या के सबूत जुटाने भी शुरू कर देती है। इसी सिलसिले में सबसे पहले मेजर हांडा के कार से दो चाकू भी बरामद कर लिए जाते हैं जिसका इस्तेमाल शैलजा का गला रेतने में किया गया था। इसके अलावा पुलिस शैलजा और निखिल हांडा के कॉल रिकॉर्ड्स भी निकलवाती है जिससे पता चलता है कि पिछले सिर्फ 6 महीनों में निखिल हांडा ने शैलजा द्विवेदी को 3,352 बार कॉल किया था। इस दौरान इन दोनों की कई बार काफी लंबी बातचीत भी हुई थी। इतना ही नहीं, जिस दिन निखिल हांडा ने शैलजा की हत्या की थी उस दिन वो शैलजा को सुबह 10 बजे से ही लगातार कॉल कर रहा था और उसने आखिरी कॉल 12 बजे किया था। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस कई दिनों की अथक प्रयास के बाद शैलजा का वो फोन भी एक कचड़े के ढेर से बरामद कर लेती है जिसे निखिल ने शैलजा की हत्या करने के बाद चुरा कर फेंक दिया था। निखिल इस हत्या को आवेश में आकर अचानक से की गई हत्या के तौर पर बताता है, मगर पुलिस जब निखिल हांडा के फोन को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू करती है तो पता चलता है कि निखिल हांडा ने इस हत्या वाली रात से ठीक पहले वाली रात इंटरनेट पर कई बार हाउ टू किल समवन
लिखकर सर्च किया था। इसके अलावा उसने सबूत मिटाने के तरीकों के बारे में भी गूगल सर्च किया था। निखिल ने यूट्यूब पर भी हत्या करने के तरीकों से जुड़ी कई वीडियोस देखी थीं। इन सभी सबूतों से पता चलता है कि निखिल ने शैलजा की हत्या का प्लान पहले ही कर लिया था। शैलजा की नज़र में निखिल से उसकी मामूली दोस्ती थी, मगर निखिल हांडा इस दोस्ती को प्यार समझने लगता है। वैसे एक तरफ निखिल हांडा शैलजा से प्यार का दावा करता था, दूसरी तरफ पुलिस जांच पड़ताल करती है तो खुलासा होता है कि निखिल हांडा दो मोबाइल फोन यूज करता था। एक मोबाइल में उसने अपने असली नाम और पहचान के साथ फेसबुक अकाउंट बनाया हुआ था, जबकि उसने जो दूसरा मोबाइल रखा हुआ था उसका इस्तेमाल एक फर्जी फेसबुक आईडी चलाने के लिए करता था। उस आईडी में निखिल ने खुद को दिल्ली का एक बड़ा बिजनेसमैन बताया हुआ था। वो उस आईडी के जरिए लड़कियों को फंसाता था। यहां तक कि जिस दिन उसने शैलजा की हत्या की थी उस समय तक भी वो दो लड़कियों से लगातार संपर्क में था, और हत्या वाली रात उसने काफी देर उन लड़कियों से बात भी की थी। फिलहाल निखिल हांडा सलाखों के पीछे अपने किए की सजा भुगत रहा है। वैसे अब तक कोर्ट से इस मामले में कोई फैसला नहीं आया है और अब भी इस केस की सुनवाई ही चल रही है।